हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण जीके जीएस का ये पार्ट 4 है, जिसमें मैंने अर्थ और माउंटेन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी परेशान ना हो और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी जो हमारा अर्थ है उसके सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, पपड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन को 5 या 6 लेयर में बांटा गया है, जिसको कोरोना, क्रोमोस्फीयर, रेडिएटिव जोन, फोटोस्फीयर कहते हैं। वैसे ही पृथ्वी को फ्रेंड्स कुछ जोन में, कुछ लेयर में बांटा गया है, जिसको क्रस्ट, मेंटल, आउटर लेयर और इनर कोर कहते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है पृथ्वी का, जो 4 से 8 किलोमीटर के आसपास का होता है फ्रेंड्स, उसकी थिकनेस जो होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रस्ट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि क्रस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या क्रस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, तो 6373 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का कौन सा पर्वत सबसे मोटा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सब परतों में डिवाइड है, तो उसमें सबसे मोटा परत जो दूसरा परत होता है मेंटल फ्रेंड, वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। एक बार और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल हमारा होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मेंटल किस चीज़ से बना होता है, जो दूसरा हमारा होता है सबसे मोटा जो परत होता है मेंटल, वो किस चीज़ से बना होता है। तो वो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा परत द्रव अवस्था में, सॉरी यहाँ पे पर्वत लिखा हुआ है, परत अब डाल लेंगे, पृथ्वी का कौन सा परत द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। फ्रेंड्स, तो हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी और रेलवे में, तो आप याद रखेंगे जो आउटर कोर होता है फ्रेंड, जो बाहरी केंद्र होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, पृथ्वी का कौन सा पर्वत, सॉरी यहाँ भी पर्वत हो गया है, परत यहाँ पर डाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का आउटर कोर जो होता है, बाहरी केंद्र जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हिमालय कौन से पर्वत का उदाहरण है। फ्रेंड्स, ये पर्वत यहाँ पे सही है, हिमालय कौन सा पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ से हमारे पर्वत के क्वेश्चन शुरू हो गए, अभी तक हम अर्थ का क्वेश्चन देख रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली और नीलगिरी पर्वत कौन, किस पर्वत के उदाहरण है। अरावली और नीलगिरी का जो हमारा माउंटेन है, वो किस माउंटेन का एक एग्जांपल है, तो अवशिष्ट माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। फ्रेंड, तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, और इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा तो फ्रेंड्स वो K2 है, कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, ये सारे आप फ्रेंड्स याद रखेंगे बिल्कुल, और नोट करके रखेंगे, ये सारे पर्वत में से कोई ना कोई एक पर्वत जरूर पूछता है किसी भी एक महाद्वीप का। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा किलीमंजारो, इंग्लिश में भी किलीमंजारो ही होता है। अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है, विंसन होता है। फ्रेंड्स, यहीं पे अरुणिमा सिंह ने चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि एक विकलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, यूरोप महाद्वीप का फ्रेंड्स सबसे ऊंचा एल्ब्रस, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, अभी मैंने बताया सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, अगर एशिया का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, भारत का पूछेगा तो K2 है, 8598 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों से ढका है, तो फ्रेंड्स ये भी कई बार पूछ चुका, पृथ्वी का 27% भाग हमारा पर्वतों से ढका हुआ है। फ्रेंड्स, ये रहे अर्थ और माउंटेन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे कुछ नहीं आएगा, इतना ही पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही स्टडी मटेरियल पाने के लिए। थैंक यू।